प्रोफेसर, 2023 से आपने क्या सीखा एंड व्हाट्स द न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन? या सबसे अहम बात तो ये है कि 2023 का शुक्रिया कि उसने ज़िंदगी का एक साल और दिया हमारे साथ गुजारा और खैर के साथ सेहत, इज्जत, खुशियों और रिस्क हालात करते वक्त गुजरा। सो थैंक यू 2023, खुदा हाफिज़, दोबारा हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। और जो एक ख़ास सबक सीखा बिना वो ये कि कभी हक बात बोलने से रुकना नहीं चाहिए। मैं 5 साल खामोश रहा सोशल मीडिया पर, टीवी पर, हर जगह मैंने ब्रॉडकास्टिंग छोड़ दी, बोलना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि मैंने अपना फ़र्ज अदा नहीं आज, लेकिन ना हक बोलने वाले, पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने वाले गद्दार जो दुनिया भर में बैठे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके आगे खड़े हो जाएं। और पाकिस्तान जिसने हमें इज़्ज़त दी, पाकिस्तान ने हमें बनाया, चाहे हम कोई नेशनलिटी ले लें, कहीं चले हैं, हमारी शिनाख्त पाकिस्तान है और जो कुछ हम बने हैं वो पाकिस्तान की वजह से बने। इन लोगों को ये गुंडागर्दियाँ बिल्कुल बंद करनी होगी और डट के मिल के एक जान होकर इन बदबख्तों जालिम को जवाब देना और इन्हीं की ज़ुबान में जवाब देना।